क्या है। उसी सरलता से यदि हम अपने जीवन को सुंदर बनाने की डगर पर अभियान छेड़ना चाहते हैं तो हमें समझ लेना ही जरूरी होगा कि संसार में समस्याओं का कारण क्या है। इसका मूल कारण है मोह। इस मोह ने इस जीव के लिए जितना भटकाया है उसका कोई अंदाज नहीं लगा जा सकता है। इस मोह के कारण ही तरह तरह की समस्याओं का जनन हुआ है और इनके लिए बड़े आदर के साथ यह जीव स्वीकार करता जा रहा है। पर विचार करने की जरूरत है, संसार की समस्त व्याधियों का मूल कारण यह मोह है और इस मोह के कारण ही पुनि उपजई बहु सूला, सूल अर्थात कांटे। एक कवि ने कहा है ये संसार कांटों का बिछौना है, जहां भी करवट लो उधर ही छिद जाता है। लेकिन इस जीव ने कांटों के बिछौनों को इस तरह एक्सेप्ट कर लिया है जैसे एक्यूप्रेशर का पैड होता है, उस पर खड़े होके व्यक्ति ध्यान के लिए आउट करता है। जितनी शरीर में समस्याएं उन कांटों पर खड़ा होके दूर करने का विचार करता है। मोह की नींद में जो व्यक्ति सो गया वह निश्चित ही कांटों को भी स्वीकार करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, व्यक्ति दुख का निमंत्रण स्वयं देता है। कोई और आपकी जिंदगी में दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण मैं स्वयं हूं। हमारे जीवन में अनेकानेक आशा अपेक्षाएं जब खरी नहीं उतर पाती तो हमारा मन दुखी हो जाता है। और दुख होने का तात्पर्य है कि यह जीव मोही है, वरना वीतरागी के लिए दुख और सुख कोई भी चीज नहीं है। दुख और सुख दोनों ही कल्पनाएं मन की, और जब तक मोह है तब तक ये कल्पनाएं इस जीव के लिए दुख देती रहती। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने इसलिए छह डाला में बड़ा सुंदर विचार दिया है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बरमत मादी। इस जीव ने मोह की मदरा को अनादि काल से पी लिया है और इसलिए अपने नेचर को भूल गया है। मनुष्य की शरीर मिलने के बाद ये संसार की भोग सामग्रियों में बहुत गहरे उतर जाता है। जहां दुख था नरक की भूमि में, वही बार बार भगवान से प्रेयर करता था कि भगवान एक बार यहां से बच जाऊं और मनुष्य लोक में जाऊंगा तो निश्चय ही संयम को धारण करूंगा और संसार ये कांटों का बिछाना है, मैं इससे अच्छी तरह बचने के लिए एक पुरुषार्थ करना चाहता हूं, मेरी कोशिश खाली नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही कांटों के बीच थोड़े थोड़े फूल नजर आते हैं और एक दो नरम नरम पंखुड़ियां बदन को स्पर्श कर जाती है, एक कांटों के दर्द को भूल जाता है। उन फूल की पंखुड़ियों में इसने सुख देखा। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र मुनिराज कहते हैं
तलवार की धार पर शीरा लगा दिया जाए और उसे चाटेंगे तो क्या होगा? कुछ पल के लिए तो मिठास आएगी, उसके बाद जिह्वा कट जाती है, लेकिन मिठास बहुत आती है सुरभि। यही तो मोहिनी कर्म है। तलवार की धार पर लगे हुए सीरे को चाटने की कोशिश करता है, सुख मिलता है। मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से इस जीव ने मोह का स्वाद लिया है। आज तक यह जागने की स्थिति में नहीं है। व्यक्तिगत यदि उस व्यक्ति को किसी संत से अटैचमेंट हो जाए और वो कहे भैया मेरे साथ चलोगे क्या मुक्ति के मार्ग पर, तो आप बड़े स्नेह से कहते हैं गुरुदेव इस बार तो छोड़ दो, थोड़ी समस्याएं, जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। गुरुदेव चले जाते हैं अन्यत्र विहार करते हुए। संयोग से जब द्वारा उस क्षेत्र का भाव बनता है विहार करने के लिए, तब पुनः आते हैं और फिर जगाते हैं। फिर आप कहते गुरुदेव थोड़ा और समय दीजिए, मैं तो उलझ गया हूं, बेटे की शादी नहीं हुई थी तो परेशान था, विवाह तो हो गया लेकिन 6 महीने नहीं हुए, आने वाली बहू ने तो ऐसा चक्का जाम कर रहा है कि वह सास बहू को तिहाड़ की हवा खिलाने वाली है। मोहिनी कर्म के कारण आप कितने उलझ गए। पहले बार आपने गुरुदेव से कहा कि बस थोड़ा ही समय दीजिए, मैं चलने को तैयार हूं, और जब दूसरी बार 2-3 वर्ष के बाद पहुंचे फिर आपने कहा बड़ा मुश्किल है, अभी तो बहुत तिहाड़ की हवा खिलाने वाली है, अब आप स्वतः बताइए कैसे निकल सकता हूं। आपने जो मोह की मदरा पी है ये नशा चढ़ा हुआ है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी मां, कौन किसका पिता, फिर भी हम इन रिश्तों को निभा रहे हैं, हम अपनी अपेक्षाओं के कारण निभा रहे हैं। अगर हमारे मन से अपेक्षाएं दूर हो जाएं तो इस जीव के लिए कोई कष्ट नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं अनासक्ति मनुष्य का वह नेत्र है जो उसे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अनासक्ति से संपन्न व्यक्ति तत्व को समझकर आचरण करता हुआ उदात्तता की ओर उन्मुख होता है, और आसक्त हुआ व्यक्ति संसार में डूब जाता है। मक्खी गुड़ के लालच में सिरे पर बैठती है, पंख चिपक जाते हैं, जीवन नष्ट होता है। किसे इस बात की खबर नहीं है कि मक्खी सिरे पर बैठी, चिपकी और जीवन समाप्त हुआ। आप भी घर गस्ती पर बैठते हैं, उठने का मन ही नहीं होता है। कितना सुख मिलता है आपके लिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसकी बुद्धि आसक्ति से मुक्त हो जाती है वह शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा आचार्य भद्रबाहू ने कहा है। तो क्या आप संसार से मुक्त होना चाहते हैं? जब हमारी बुद्धि अनासक्ति के पथ पर चलेगी तो ही हमें थोड़ा सुख हो पाएगा, वरना अयम आत्मा महामोहा कलंकी एन शुद्ध्यति तदेव स्वहतम धामा तच्च ज्योति परम मतम। यह आत्मा महामोह से अर्थात मिथ्यास से कलंकी और मलिन हुई है, जिससे यह शुद्ध हो वही अपना हित है।
वही अपना घर है, वही परम ज्योति है। यह आत्मा महामोह के कारण मिथ्यात् और कसायों से कलंकी और मलिन हुई है। विपरीत मान्यताओं का नाम मिथ्या है, और इन्हीं मान्यताओं में तो हम लगे हुए ना। कोई चढ़वा, कौन सी कड़वा चौथ में लगा हुआ है, तो कोई पति की दीर्घायु करने के लिए उपवास में लगा हुआ है, तो कोई बच्चे की शतायु होने के लिए कामना करती हैं देवियां माताएं। लेकिन आपकी कामना करने से पिता शतायु हो तो फिर क्यों कहा गया मरते न बचावे कोई, मणि तंत्र मंत्र बहु होई। जो आदमी जितनी जिंदगी लेकर के आया है उससे एक भी पल ज्यादा जी नहीं सकता है। ये विश्वास जब जीव को हो जाता है, समय सार के आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, आयु खये ना, आयु के क्षय होने तक मृत्यु नहीं हो सकती। आयु क्षय हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। एक पेट्रोल मैक्स गैस का टंकी रखी हुई है, आपने उसमें तीली लगा दी, एक तरफ से गैस निकल रही है और दूसरी ओर चोट लगती है टंकी को, तो वहां से भी गैस निकलने लग जाती है। अब क्या होगा जब दो जगह से गैस निकलेगी, तो समय से पहले टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी। हम जितनी आयु लेकर के आए हैं मनुष्य की, वो गलत संयम के राह पर चलते रहेंगे तो ऊपर से तो आयु जा ही रही है, और असंयम के पथ पर चलेंगे तो यहां से भी आयु छीण होती रहेगी और समय से पहले जाना पड़ जाएगा। लेकिन मोह में पड़ा हुआ आदमी कहता है कोई बात नहीं, सारे काम करना पड़ते हैं गुरु जी, बच्चे हैं तो बच्चों का काम करना है, पत्नी है तो पत्नी का काम करना है, समाज में तो समाज का काम करना है। लेकिन समझदार तो वही व्यक्ति है, अय महात्मा महामोहा कलंकीन शुद्धते, ये आत्मा मिथ्यात् और कसायों के कारण से अनंत काल से कलंकी हुई है, मलिन हुई है। इस आत्मा को जिस किसी भी तरह से शुद्ध किया जाए, जिससे यह शुद्ध हो वही अपना हित, जिससे वह शुद्ध हो घर में वही अपना घर, वही परम ज्योति और वही परम प्रकाश है। अनंत काल संसार की लीलाओं में व्यतीत हो गया है। अगर एक पल के लिए आचार्य अमृतचंद जी कहते हैं कौतुक में भी आत्म ध्यान करने के लिए प्रवृत्त हो जाए तो जीव का भला हो सकता है। भरत चक्रवर्ती सारी जिंदगी 96,000 अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ आनंद में रहे, लेकिन अंतिम क्षण में जब उनका मोह खंडित हो गया तो संन्यास लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त किया ही ना, लेकिन आपका मोह खंडित नहीं हो पा रहा है। इस संसार में आपने कहीं सुख देख लिया है और इसलिए उस सुख को देखने में निरंतर लगे रहते हैं। रेशम की कीड़े की तरह आप अपने प्राणों को स्वयं कष्ट में डालने की अनवरत कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस जगत में परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। लेकिन आप संसार में दूर तरक विस्तृत पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े शब्दों के ज्ञानी भी बड़े बड़े सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। संपूर्ण शास्त्रों के जानकार, सैकड़ों ग्रंथों के लेखक, अनुवादक और संपादक आज राग के कारण दुखी है।
यह राग आग दहे सदा। ये राग की आग, ये राग क्या है? इस मोह का ही एक बेटा है और दूसरे बेटे का नाम है द्वेष। इस मोह की दो संतान है। यह राग आग दहे सदा। संसारी प्राणी राग के कारण से पर पदार्थों में अपने ममत्व को लगाए हुए हैं। पर हम जब आचार्य भगवान शुभ चंद्र के चरणों में बैठ जाते हैं तो कहते हैं, जरा सोचो ये जिंदगी क्या है जिसके उदय होने से हम अपने मन की शुद्धि न कर पाए। सामने बिल्ली के अगर कुत्ता बैठा हो तो बिल्ली शांति से दूध नहीं पी सकती है। उसको लगता है कि भय मुझे ये खत्म न कर दे। हमारे भीतर भी निरंतर भय रहता है। किस लिए भय रहता है? कि जब व्यक्ति के अंदर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है तो छोटे से छोटे नियम लेने से भी भयभीत रहता है। चारित्र मोह कर्म का उदय वह है जिसके उदय से यह प्राणी मन की शुद्धि देने वाले चारित्र के भाव की शुद्धता को अंगीकार करने के लिए क्षण भर भी समर्थ नहीं हो पाता है। छोटे छोटे नियम लेने में भी इसके हौसले पस्त दिखलाई पड़ते हैं। यूं तो आप कितनी भीड़ इकट्ठी कर दो लेकिन जब कोई त्याग तपस्या की बात चल पड़ती है तो आदमी अपने लिए कमजोर करने लग समझने लग जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं, योगेंदु देव सम्यक दर्शन की भूमि के बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत रूपी वृक्ष नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या दृष्टि मोह से कलंकित मलिन होने के कारण और डूबता चला जाता है। सही समझ कब आती है? जब सम्यक दर्शन हो जाता है। मोह के मायने होता है आसक्ति और आसक्ति के मायने होता है इंडल्जिंग, डूब जाना, लिप्तता। और आप संसार में कितने डूबे रहते हैं। अगर 10 दिन का उपवास करने वाले लोग भी हैं और यदि उसके दोहेते या पोते आ जाएं दोनों साइड से एक एक करके, 10 उपवास की थकान भी उसको महसूस नहीं होती है। यूं तो वह 8वें दिन प्रबंधक से मंदिर में कह रहा था, कमर टूट रही थोड़ी कुर्सी तो दे दो भैया। लेकिन आज एक ओर से दोहेता दूसरी ओर से पोता आ गया, 10 उपवास के बाद भी आपका चेहरा कितना प्रफुल्लित है। बच्चों के साथ आप ऐसे खेल रहे हैं जैसे बिल्कुल आप 16 साल के जवान हो, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए। उस शक्ति मोह के कारण से आई है और वह शक्ति मोह का मतलब मिथ्यात विपरीत मान्यता। वह विरक्त नहीं आसक्त है। आसक्ति का मतलब है लिप्तता, लगाओ, अनुरक्ति, अनुराग, संसक्ति, बिल्कुल डूब जाना। और डूबते तभी हैं जब उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह हो। आप मुनियों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं? जब कोई आदमी विरक्त हो जाता है, घर में कोई काम नहीं बसता, तब चलो महाराज जी को चलते। खाना पीना सब हो गया, बच्चे स्कूल गए हैं, चलो दोपहर में घंटे भर को एक बार मंदिर हो ही आते हैं। कब आपने दिल में अनासक्ति के भाव जागृत किए? जब आपके पास समय काम नहीं था। ये कौन बोल रहा है? ये भीतर का मोह ही बोल रहा है। और मंदिर की चौखट तक कास पहुंच गए और अनायास
घर से फोन आ गया या ऑफिस से फोन आ गया, तुरंत मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। भक्ति नहीं लिप्तता। भक्त आदमी तो सेठ धनंजय की तरह पूजन में रहा आता। एक जमाना था जब श्रावकों को मुनियों के प्रति अत्यंत समर्पण का भाव था। एक दफा एक बहुत बड़े आचार्य जिनको शांति सागर महाराज कहा जाता है, हमको पंडित जगन महल शास्त्री सुनाते थे कि आचार्य शांति सागर महाराज को एक व्यक्ति ने प्रतिग्रहण किया। शांति सागर महाराज उस घर में प्रवेश आहारचर्या के निमित्त से गए। मुनिराज आहारचर्या में पूजन आदि करके शुद्धि लोगों के मुख से सुनकर खड़े हो गए और थोड़ी सी देर के बाद कहीं से आवाज कान में आई कि कुछ किसी के यहां एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जो घर का मुखिया था उस व्यक्ति ने कहा कि डोंट टॉक, शांत रहिए, धीरे से इनको कह दिया। जब तक शांति सागर महाराज जी का पूरा आहार नहीं होगा तब तक उसने कोई बाहर की बात नहीं सुनी। जब उनका आहार संपन्न हो गया, बाहर आया, समस्या को सुना। अगर आप होते तो आहार छोड़ के तुरंत बाहर आते, क्योंकि आपकी आसक्ति परिवार के लोगों के बीच है और उसकी आसक्ति मुनिराज के प्रति थी, घर के प्रति कोई मोह भाव नहीं था। और जब व्यक्ति के भीतर मोह छीन हो जाता है, भक्त होने लग जाता है, तो लगता है ये माता तो शरीर को पैदा करने वाली है और ये पिता शरीर के जन्मदाता है। हमारे पिता तो जो संयम की साधना में संस्कारित करते हैं वही होते हैं। फिर आदमी का मोह घट जाता है, महानुभाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का संग्रह मोह के कारण ही होता है। अगर व्यक्ति के अंदर से मोह छीन हो जाए तो किसी चीज के संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरसातें छत पे खुली जगहों पे होती है, बरसातें छत पे खुली जगहों पे होती हैं, मगर गम वह साबुन है जो इन कमरों के अंदर बरसे है। बहुत बड़ा आदमी कितनी ही मुश्किल हो, जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई अपने ही अंगरक्षक की गोलियों से, तो उस समय सोचा कौन सा प्रधानमंत्री आएगा। राजीव गांधी एकदम पर्दे के बाहर आए और उनकी आंखों में कहीं आंसू नहीं था, लेकिन भीतर उसको दुख ना हो मां के मरने का, ये भी नहीं हो सकता। संसारी प्राणी है, मोह जरूर रहा होगा, लेकिन वो कमरे में अपने आंसू पहुंच के रह गया होगा। महानुभाव, गम वह साबन है जिन कमरों के अंदर बरसते हैं। अंदर भी न बरसे, बाहर भी न बरसे, उसको निर्मोही वास्तव में कहा जाता है। कुछ लोग भीतर से दुखी होते हैं, बाहर से अपने को सुखी बतलाते हैं, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म के कारण वह व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं काट पाता है। हमने आचार्य भगवान से पूछा कि संसार में ये प्राणी दुखी क्यों है, दुख का और कोई कारण नहीं है,
दुख का एक ही कारण है, इस जीव ने आज तक चारित्र को स्वीकार नहीं किया। जैसे जैसे चारित्र को स्वीकार करते हैं वैसे वैसे हमारी कसाएं मंद होती चली जाती है। जैसे जैसे हम अनुशासन में आते चले जाते हैं वैसा वैसा हमारे भीतर से असुचि का भाव समाप्त होता चला जाता है। हम आज असुचि भावों के कारण ही दुखी है। हमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दर्शन मोहस्य तत्वार्थ अश्रद्धानम्। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय जब चलता है तब जीव के लिए सात तत्वों पर श्रद्धा नहीं होता। जीव कौन है और अजीव कौन है, वो अजीव को ही जीव मान लेता है। कई बार ऐसा हो नहीं होता, जब लालच में डूबे रहते हैं तो आपके लिए दूसरे की माँ श्रेष्ठ लगने लग जाती है और अपनी माँ कुछ भी नजर नहीं आती है। महानुभाव जरा विचार तो कीजिए कि हमारे भीतर दूसरे की माँ के प्रति श्रद्धा क्यों जागृत हुआ। तत्वार्थ अश्रद्धानम्, तत्वों के प्रति बराबर श्रद्धा नहीं होने के कारण। आपको अपनी माँ जिन वाणी के प्रति गहरा विश्वास नहीं है, यह दर्शन मोह कर्म के उदय के कारण। ओ चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय चलता है तब इस जीव की जिंदगी में संयम नहीं आ पाता है। ऐसा कौन सा क्षण था जिस क्षण मैंने अनेक सा लोगों को देखा कि आदमी उम्र भर संयम धारण नहीं कर पाता है। क्या वजह है उस व्यक्ति की दृष्टि में मोह का संसार बसा हुआ है, और जब मोह का संसार होता है तो चारित्र नहीं ले पाता है। मैंने बड़े बड़े शब्द शास्त्रियों को देखा कि जिंदगी निकल जाती है लेकिन वह दर्शन प्रतिमा से ऊपर नहीं बढ़ पाते। व्रत प्रतिमा के आचरण की बात चलती है तो शुद्ध भोजन नसीब नहीं होता है और वह आदमी ठिठक जाता है। आगे बढ़ने के लिए एक वैरियल सामने आ गया, पर हमारे मन में साहस होना चाहिए था। एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसको आज पूरा जैन समाज समझता है, जिनको बोलते हैं आर के मार्बल। जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था 78 में, वो गुरुवर के साथ किशनगढ़ पंच कल्याण करने के लिए गया हुआ था। वहां जब बात चली तो उन्होंने बतलाया कि जब उनके लिए बुखार आ गया, किनको, आर के मार्वल के दादा को नहीं उनकी पत्नी को, तो भोजन कौन दे शुद्ध, भोजन कौन शुद्ध दे। तो उन्होंने कुकर में दाल और चावल डाल के पानी डाल के खिचड़ी बना के स्वयं इस पेट की आग को शांत किया। किसी ने कहा कि मैं सहयोग कर देता, आपकी पत्नी को ज्वरता था, बोले नहीं व्रत मैंने लिए हैं, उन्हें मुझे ही निभाना है। संसार की जीवों से मोह नहीं रहा, और जब मोह दूर हो जाता है तो संयम के प्रति व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। कोई व्रती पुरुष अथवा महिला हो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, किसी कारण से ठन सकती है, ठनी रहती है मेरी इन सिरफिरी हवाओं से, फिर भी मैं रेत के टीलों पर घर बनाता हूं। अगर कोई टक्कर किसी से हो जाए तो व्रती भूलकर भी होटल में भोजन करने नहीं जाएगा, लेकिन आपकी अपनी पत्नी के साथ टक्कर हो जाए तो आप भोजन दिन भर नहीं करेंगे क्या, आप होटल में चले जाएंगे।
चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आपके सिर पर घूम रहा है और आप अपनी पेट की आग को नहीं शांत कर पाते। तुरंत बाहर जाके भोजन ले लेते हैं। पत्नी सोचती है कि पति ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या तमाशा है ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। और मोह तिमराप हरणे, जब मोह का तिमिर दूर होता है तब व्यक्ति के अंदर कोई दर्शन, कोई श्रद्धान, कोई ज्ञान ज्ञान होता है और तब उसका हौसला संयम की ओर फिर अग्रसर हो जाता है। अनेक बार मैंने ऐसा देखा और अनुभव किया है कि व्यक्ति भावुकता में आकर कहता है मुझे कोई मोह नहीं है और अपनी चाबी यूं फेंक देता है, मुझे घर से क्या लेना क्या प्रयोजन। लेकिन जब पारा ठंडा होता है तो शाम को हो साते मैं तो चाबी बच्चों को फेंक आया हूं, जो शाम को बड़े ऐसे प्यार से जाएगा और बच्चों के सामने लोरी सी गाता हुआ धीरे धीरे चाबी फिर वहीं पड़ी थी, बच्चे ने उठाई नहीं तो फिर धीरे से उठा के साथ ले ली। चरित्र मोहिनी कर्म का उदय जब तक चलता रहता है व्यक्ति अपनी कषायों को कम नहीं कर पाया है। कभी क्रोध कभी लोभ ये भीतर चलता ही रहता है। क्रोध में आया चाबी फेंक दी, लोभ में आया फिर चाबी ले ली। लेकिन जो व्यक्ति व्रती हो जाता है वह व्यक्ति राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए चारित्र को स्वीकार कर लेता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही साधु पुरुषों ने चारित्र का विधान किया है। इस मोह को तो परास्त करना ही होगा और जो व्यक्ति चारित्र को स्वीकार करेगा उसका दुश्मन तो चारित्र, उसका दुश्मन तो मोह सामने रहेगा। वो फाइट करेगा और हमको ही फाइट करना पड़ेगा। लेकिन आप इतने कमजोर हैं, थोड़ी सी घर से कोई सूचना आए तो आपकी पूजा नीचे रह जाती है, माला हाथ की हाथ में रह जाती और आप उठ खड़े होते हैं। और आज तो मोबाइल का जमाना है, कहीं भी आप क्यों ना हो आपके तुरंत परिवार के लोग अपने चपेट में ले लेते हैं। और आप कितने कमजोर हैं, अगर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के दर्शन को भी गए और रास्ते में संदेश आ जाए तो उनके चरण स्पर्श करके लौटेंगे कि रास्ते से लौटेंगे। देखो आत्मा की बात आत्मा तक, दिल की आवाज दिल तक आना चाहिए। मैं दिल से बोल रहा हूं और आप बुद्धि से बोलते हैं। मैं दिल से पूछ रहा हूं कि आप खजुराहो जा रहे हैं, रास्ते में हैं और मैसेज पहुंच गया घर से, तो आप गुरुवर के चरण स्पर्श करके लौटेंगे या कि वापिस। अब बुद्धि से सोचते कि महाराज से कहूंगा कि नहीं मैं तो लौट आऊंगा तो बड़ी हंसी हो जाएगी। फिर आप झुमझुट कहते नहीं मैं तो चरण स्पर्श करके आना चाहता था लेकिन दोबारा फिर आ गया। जब आपके लिए किसी चीज की इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती आपको वह उपलब्ध नहीं कराएगा। और यदि करा भी दे एक्सेप्ट न मत कीजिए। कोई व्यक्ति आपको गाली दे एक दो तीन चार पांच और आप इग्नोर करते रहें तो सामने वाले आदमी की तो मानसिक स्थिति बड़ी दुर्बल हो जाएगी, वो संकट में आ जाएगा। मैंने बहुत कुछ कहा इसको फिर भी एक्शन नहीं लेता, ये कितना संकट आ जाता है, वह निर्मोह हो जाता है। इसलिए वह अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाता है। और जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं के भीतर रहने लग जाता है वहां मोह निश्चित रूप से कम पाया जाता है। और इस मोहिनी कर्म को जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी उम्र है ऐसे मोह के बीच को ही हमें नष्ट करना है। जिस प्रकार बीज से जड़ और अंकुर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मोह रूपी बीज से भी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं।
जो राग द्वेष को जलाना चाहता है उसे ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उस मोह रूपी बीज के लिए दग्ध कर देना होगा। मोह रूपी बीज को जला देने का साहस मोही नहीं कर सकता है। एक अगर आपकी सुंदर से जीन और अलबत्ता वो 10 जगह से घिसी हुई है, फटी हुई है, तथापि आप कहते इसको रख लो, होली के वक्त काम आएगी जब रंग खेला जाएगा। क्या छोटी छोटी चीजों के संबंध में कहूं, मैं तो कई बार आपको देखता हूं, कोई पत्र आपके लिए किसी ने भेजा हो 4 पृष्ठ का और उसे पिन लगी हो तो लोभी आदमी उस पिन को भी रख लेता है और पत्र को भी संवार लेता है, क्योंकि उसकी पीठ खाली है, उस पर कुछ लिख लूंगा। आपको सामने वाले व्यक्ति ने मैसेज संदेश दिया था, हमें केवल संदेश से मतलब था, कागज से मतलब नहीं था, पिन से मतलब नहीं था, लेकिन पिन से ही मतलब हो गया और कागज से ही मतलब हो गया। कितनी आपके जीवन की छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डालूं ये तो आपको स्वयं ही समझना है। हम जितना अपने जीवन में मोह कम करने का उपक्रम प्रारंभ करेंगे उतना ही हम महावीर के नज़दीक हो सकते हैं, वरना उम्र निकल जाएगी और हम महावीर से बहुत दूर होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा फायदा हो, लेकिन फायदा तभी होगा जब थोड़ा नशा कम हो। शराब पीने वाला आदमी बिल्कुल डूब जाता है। कई बार बिहार करते करते मार्ग में देखता हूँ नशे में धुत आदमी चौराहे पर पड़ा रहता है, उसके इस बात की फिक्र नहीं होती कोई मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, कार चढ़ा दे, बस वो अपनी मस्ती में। मुनिराज भी जब अनाशक्त होते हैं तो बियाबान जंगलों के भीतर भी वो बड़े खुश होते हैं। मैं एक और आपसे बात समझा दूं, एक ऋषि थे बहुत ही तपस्वी, बहुत ही अपने में गहन गहराइयों को छूने वाले। एक रोज उनके सामने एक बड़ा भारी सिंह आया और वो आंख बंद करके ध्यान में चले गए। जो लोग वहां मौजूद थे वो धीरे धीरे हवा हो गए शेर को देख के दूर से, लेकिन वो ऋषि अपने आप में लीन हो गए। काफी देर तक उस सिंह ने अपनी श्रद्धा भक्ति मुनवर के चरणों की, शेर चला गया। फिर आप जैसे फॉलोवर्स थे जो अधकच्चे से थे, वो सोचे कि महाराज उठेंगे तो क्या कहेंगे, भाई तुम भाग ही गए गोदा जी। फिर भाग के आ गए, शेर गया गया गया, और फिर आपने उपस्थिति हाजिरी लगा दी। मुनिराज की आंख खुलती है, उस श्रावक पूछता आपको डर नहीं लगा, उन्हें किस बात का, बोले शेर आया था। बोले आया होगा, मुनिराज अपनी साधना में लीन थे क्योंकि शरीर से आसक्ति नहीं थी, लेकिन आपको शरीर का मामला खत्म होने का लगा तो आप भाग दिए। लेकिन ये सच है, जिस व्यक्ति का शरीर के प्रति मोह छट जाता है, परमाणु मित्यम पिहु रागा दीनम विजदे यस नबीसो जानदी अप्पा अड़यम तु सब्बा गमद रूपी। संपूर्ण शास्त्रों का जानकार भी क्यों ना हो, किंतु यदि परमाणु मात्र भी उस व्यक्ति का शरीर से अटैचमेंट है तो वह केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए समय सार में आचार्य कहते हैं छिद जदुआ बिज जदुआ निज जदुआ अहोजात विपल्यम। शरीर छिद जाए विध जाए, उठा के कोई फेंक दे, दो टुकड़े हो जाए,
तभी मेरा शरीर से कोई वास्ता नहीं है। और जो ऐसा गहरा शरीर से अनासक्त हुआ है वही भव्य आत्मा अपने लक्ष्य को उपलब्ध कर पाई है। क्रात अर्जुनी में कवि भारवी कहते हैं, मोहम विदत्ते विषयाभिलाषा, विषयों के प्रति आसक्ति मोह को उत्पन्न करती है। विषयों के प्रति आसक्ति, आपके लिए एक बहुत अच्छे गिफ्ट का इंतजाम कराया गया। वो चांदी भी नहीं है और स्वर्ण भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मेटल की चमकदार गिफ्ट, और वो आपके लिए श्रीमान जी लेकर के आते हैं। हो सकता कि देव दर्शन के लिए वह बहुत सुंदर बॉक्स बना के लाए हों आपके लिए, आपको भेंट करें और आप ना लें, ऐसा हो सकता है क्या? आपके पास चांदी की बहुत सुंदर बॉक्स है जिसमें रोज आप अक्षत लेकर के आते हैं, लेकिन इन्होंने बिना चांदी का बॉक्स आपको भेंट किया और आपने लेने से इनकार किया। किसे जरूरतमंद को दे दीजिए, मेरे पास तो दो चांदी की डिबिया है, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। आप उसको ले ही लेते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में था तो जब एक कोई पेंसिल लेना पड़ती थी तो उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ता था। आज तो लोग बॉक्स के बॉक्स लेकर के रखने को तैयार है, और मोही आदमी कहता है रख दो हम लोगों को बांट देंगे, लेकिन बांटने के अंदर आसक्ति आ गई। जब वो चीज हमारी अपनी नहीं तो हम दूसरे को देने के अधिकारी कैसे हैं? आज बड़े शहरों में लोग 10 जगह से कलेक्ट करके उसको गिफ्ट करने की इच्छा रखते हैं, पर वो दान नहीं हुआ, उसके साथ व्यक्ति का मोह जुड़ा हुआ है। दान वह है जैसे सम्राट हर्ष 5 वर्ष में अपने पूरे खजाने को त्याग कर देता था, शरीर पर वस्त्र आभूषण का भी त्याग कर देता था। उसका नाम था मोहिनी कर्म को जीतना। आप बिल्कुल भी अपने मोह को कम नहीं करना चाहते हैं, कह देते हैं मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये छूटती नहीं है, है ना? बोलो ना, मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। एक गणेश प्रसाद वर्णी हुए, छुलक थे वो, एक दिन क्या हुआ, वो वृद्ध थे, अपने कमरे में किसी व्यक्ति ने आवाज लगाई, वर्णी जी वर्णी बाबा वर्णी बाबा, दरवाजा नहीं खुला। और कुछ देर के बाद आवाज आई कि बचाओ बचाओ मुझे। वो आदमी सोचा, वो श्रद्धालु था, ऐसा तो नहीं करंट कहीं फैल गया हो, लग गया हो, बचाओ आवाज आई। वो खिड़की तोड़ के अंदर घुसा, एक बड़ा भारी स्तंभ था, उसे चिपटे हुए थे, आलिंगन किया हुआ था। उस व्यक्ति ने दोनों हाथ दूर कर दिए, बर्णी जी दूर हो गए। उसने पूछा बाबा किसने पकड़ा था, बोले इस पिलर खम्भे ने मुझे पकड़ लिया था। बोले इसने कहां पकड़ा, आपने इसको पकड़ा हुआ था। बोले भाई आप भी तो अपने बच्चे पत्नी को कितनी जोर के साथ पकड़ते हैं, मैं छुड़ाने की कोशिश करता हूं और आप जोर से पकड़ लेते हैं। ये पिलर तो छूट गया, लेकिन ये पत्नी बच्चे और भोग सामग्री से आपका मोह नहीं छूट पा रहा है। छोटी सी घटना है पर उस व्यक्ति के लिए बड़ी अपील की, चीजों को मैंने पकड़ा है, चीजों ने
मुझे नहीं पकड़ा है। अगर चीज़ें पकड़ती होती सभी को पकड़ना चाहिए थी, लेकिन चीज़ें सभी को नहीं पकड़ती है। वस्तुओं के प्रति जो अद्वशान भाव है, उस भाव के कारण से आप दुखी हैं। आपकी पत्नी बैंकॉक जा रही है, हवाई जहाज भी उड़ गई और आपने अनुमान किया कि 2 घंटे में बैंकॉक पहुंच जाएगी। 2 घंटे नहीं हुए और आपका संदेश क्यों ठीक से पहुंच गए ना? कौन बोल रहा है? मोह ना, ठीक से पहुंच गए ना? इतनी बड़ी फ्लाइट जो उड़ा के ले गया, उस व्यक्ति को इस बात की चिंता है कि मैं लेके जा रहा हूं लोगों को, उनकी जान का ख्याल उसको रखना है। लेकिन आपका मोह पूछता है ठीक पहुंच गए ना? होटल भी ठीक से मिल गई ना? मैंने अरेंजमेंट कर दिया था। इस सारे मोह पूछता है, फिर भोजन को पूछता है, अनेक चीज़ों को ये पूछता रहता है। लेकिन जब कोई व्रतों का संकल्प कर लेता है, फिर उसे कोई पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं हुआ करती है। जब आदमी घर छोड़ लेता है, फिर लौट करके वह पूछता नहीं है। क्या पाखाना जाने के बाद जब लौट के आते हैं तो पेट से पूछते, तूने क्या क्या ग्रहण किया था? कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज लड़की अपने माँ बाप से विदाई लेके चली जाती है और फिर ससुराल पहुँच के फिर फोन लगाती है, थोड़ी सी घर में बात ऊंची नीची ठंडी गर्म होने पर, और इसलिए झगड़े आज चलते रहते हैं। अगर घर से विदाई लेने के बाद पिता से फोन ना लगाती तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने आज डाइवोर्स चल रहे हैं, ये सिर्फ मोहिनी कर्म के कारण। एक जमाने में था अपना मोह छोड़ करके निकल पड़ती थी, वैसे महानुभाव आप भी आसक्ति छोड़ दें। और विषयों की आसक्ति ही संसार का कारण है। समय आपका हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप इस मोह को कम करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मोक्ष के पथ पर चलना शुरू कर लीजिए। मोक्ष पथ पर वही चल सकता है जिस व्यक्ति ने पुण्य और पाप दोनों को समान समझ लिया हो। और जिस व्यक्ति का मन मोह से आच्छादित है, वो भयानक अंतहीन संसार में भटकता ही रहता है। नहीं मन नदी जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम हिन्नति घोर मपारम संसारम मोह संचन्नो। महान संसार में आच्छादित उसका चित्त संसार से कभी ऊपर नहीं होने देता है। हमें संसार से मोह की ग्रंथि को पूरी तरह से काट देना है, गांठ नहीं खोलना है, गांठ के लिए काट देना है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मोह की ग्रंथि को काटना चाहता है? बहन जी क्या कोई टाइपिंग कर रही है मोबाइल पर क्या बैठी बैठी? बड़ी देर हो गई, मुझे लगता है कि आप तो गेम खेल रही होगी। कितना आपका ध्यान गहरा गया, पूरा 1 घंटा हो गया मैं देख रहा हूं जब से आप लगातार डूबी हुई है। आपका मोह इस फोन पर है, आपका दिमाग सारा उसमें लगा हुआ है। आप कभी भी अपने आत्मा को साधने में आचार्य विद्या सागर के पास भी पहुंच जाएं गुरुवर के चरणों में, तो ये भला नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका तो छोटी छोटी चीजों में दिमाग अटका हुआ है। अपने मोह के लिए कम कीजिए। 1 पीरियड यदि सत्संग को निकाला है तो बाकी चीजों से अपने मोह के लिए खारिज कर लेना चाहिए। जिसने मोह जन्य कलुषता को दूर कर दिया है, जो पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त हो गया है और मन को रोक कर जो स्वभाव में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया है, वही पुरुष आत्मध्यान कर सकता है। अब सभी सोचते हैं कि मेरा ध्यान में मन चला जाए, ध्यान लग जाए, लेकिन
आपका ध्यान तो कहीं और है। जब आपका ध्यान कहीं और होगा तो कभी भी आपका आत्म ध्यान नहीं लग सकता है। कलुषता को छोड़ना पड़ेगा, पंचेंद्रियों के विषयों से वापसी लेना पड़ेगी और ये चंचल मन को भी तो रोकना होगा ना, तभी ध्यान हो सकता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ आपके दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय थोड़ा थोड़ा तो छीन हो, और वो तभी होगा जब निरंतर सत्संग करेंगे। पर ऐसा सत्संग मत करना कि उसी के साथ बच्चे के साथ खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, ये तो अपने लिए धोखा है, भगवान के लिए कोई धोखा नहीं, अपने लिए धोखा है। हमें बिल्कुल शांत भाव से, जो गीता में कहा गया है कि धर्म सभा में दूसरी विषयों पर आप सोच बढ़ाए रखेंगे तो पाप का बंद होता रहेगा, इसलिए आपको धर्म सभा में बिल्कुल शांत होकर के अपने शरीर का इंद्रियों का मोह बिल्कुल छीन करके तीर्थंकरों की ध्वनि को सुनने से ही हमारा मोह कम होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ तो मोह की सामग्री दूर दूर तक विस्तृत है, फैली हुई है, फिर भी हम निर्मोही होना चाहते हैं तो अपने अटैचमेंट को ही पूरी तरह से कम करना है। जो अपने अटैचमेंट को पूरी तरह से कम कर सकता है वही तो समय शेखर की यात्रा पर जा सकेगा, है ना। घर का मोह हो, घरवाली का मोह हो, बच्चे का मोह हो, नौकरानी का मोह हो। सुबह सुबह तो एक व्यक्ति बड़ी और ऊंची बात कह रहा था जब मंदिर से आ रहा था। क्या कह रहा था? गुरुदेव उसके पास तो 50,000 क्या 1.5 लाख का एक कुत्ता है डॉग, और उसका तो 10,000 पर डे का खर्च है। जब घर का मुखिया घर से बाहर जाता है तो निश्चिंत होकर नहीं जाता, या तो अपनी पत्नी को छोड़ के जाता है या स्वयं रखना पड़ता है। मैं सोच रहा था उस डॉग से कितना आपने मोह लगा लिया है। सचमुच इतना जितना डॉग से मोह है इतना ही अपनी आत्मा से मोह लगा लो तो हमारे जीवन का भला हो जाएगा। कुत्ता क्षण क्षण में यहां वहां जाता है, ऐसी मोही यहां से वहां वहां जाता है। हमारे गुरुवर कहते हैं ये हमारा मन स्वान की तरह है, क्या हो गया समझ में कुछ भी ना आता, क्यों बार बार मन बाहर भाग जाता। ये स्वान की तरह बार बार मन बाहर जाता है, अब क्या करूं। स्वाध्याय ध्यान करे मन, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता। मैं स्वाध्याय और ध्यान करके इस कुत्ते के समान चंचल मन को रोकता हूँ, और आप तो कुत्ते की सेवा में लग जाते हैं। बड़ा महंगा डॉग रखा, 10,000 रुपया पर डे उसकी इच्छाएँ पूरी करने में आपकी लगी रहती हैं। आप बहुत अच्छे श्रावक श्राविका हैं, भव्य आत्माएँ हैं, मुनियों पर बड़ा विश्वास रखते हैं। आप ऐसा कोई डॉग वगैरह मत पालना, है ना। क्या ऐसा कोई डाग वाग पर मन मत जाना, अपने मन को सदैव सच्चे देवगुरु शास्त्र में ही रखना। इसी रास्ते पर चलते रहेंगे संसार के प्रत्येक वस्तु से आपका मोह छूट जाएगा, वरना एड्रेस और ड्रेस तो चेंज हो जाएगा लेकिन भीतर सब कुछ आकाश खाली दिखाई देगा। हम चाहते हैं बाहर का आदमी बदले, इससे पहले भीतर के आदमी को बदल लेना है। भीतर का आदमी तभी बदल सकता है जब चीज़ों से अपने मोह को पूरी तरह समाप्त कर दे। हम अपने मोह को चीज़ों की वापसी लेते हैं और अपने प्रभु में, अपने गुरु में और देव में अपने मन को लगाते हैं। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। श्री पाल प्रभु गुण गाकर हाँ गाकर, श्री पाल प्रभु गुण गाकर पा में भी पारोए थे सागर, तूफा में भी पार हुए थे सागर, चंदन वाला दर्शन से दर्शन से, चंदन वाला दर्शन से दर्शन से, देखो पल में मुक्त हुई बंधन से, देखो पल में मुक्त हुई बंधन से, तन मन का मोर जाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। हो सर्प अगर विष वाला हाँ वाला, हो सर्प अगर विष वाला हाँ वाला, कर लो मन में ध्यान बने जय माला, कर लो मन में ध्यान बने जय माला, भव ताप सभी गल जाए हाँ हाँ जाए, भव ताप सभी गल जाए हाँ हाँ जाए, सुमरण से संताप सभी टल जाए, तन मन का मोर जाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। संसार समुंदर गहरा हाँ गहरा, संसार समुंदर गहरा हाँ गहरा, कर्मों का हर ओर लगा है पहरा, कर्मों का हर ओर लगा है पहरा, सभी छोड़ जगत की माया हाँ माया, सब छोड़ जगत की माया हाँ माया, ले लो
तुम मन वीर शरण की छाया, लो तुम मन वीर शरण की छाया, तनो मन का मोड़ जाया, उपवन किलता है अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जय बोलिए विश्वबंध गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जय बोली श्री उपाध्याय गुप्ति सागर जी महाराज की। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हूँ धोक, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार जाप कर लें। जय बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ति सागर जी महाराज की। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सभी लोग नमो अर्ग चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम रिम श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज खजराओं में ससंग विराजमान, तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ति सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमल की पूजा अर्घम निर्वपामिति।